एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सिंचन घोटाला के बारे में. जैसे अजित पवार जी की जो कठिनाई है वो और भी बढ़ती है, मतलब आरोप पत्र फिर से दाखिल करने के लिए कहा गया है, तो ये सबसे अजित पवार जी छूट सकते हैं क्या, क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है, 22 जुलाई 1959 और दोपहर को 159 का जन्मदिन है अजित दादा पवार का, प्यार से लोग उनको दादा कहते हैं जी. तो कुंडली के आधार पर मैं मोटा मोटी, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सब्जेक्ट हैं, मोटा मोटी कुंडली के आधार पर कुंभ राशि है उनकी और 2020 में उनकी सारसती चालू होती है. और इस वक्त अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बुध की महादशा लगी हुई है. बुध उनका कर्क राशि का है, तो डेफिनेटली कर्क राशि का बुध जो है एक बच्चे जैसा व्यवहार करवाता है. कभी कभी उनकी वाणी से आपने देखा कि कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो बहुत मतलब नहीं अच्छे होते हैं, हाँ हो जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो, बहुत बार उन्होंने ऐसी बात. मगर यहां तक इस वक्त आपके सवाल का फलादेश देखें तो एक बात पक्की है कि इस फलादेश के मुताबिक इस वक्त जो उनकी दशा चल रही है, पहले 2017 में बुध में उनके केतु चल रहा था, तो उनको सिंचन घोटाले में 2014-2015 सिंचन घोटाले से अपना नाम निकालकर 2014 से पहले अगर आपको याद हो तो 9-10 में उन्होंने क्लियरिटी क्लियर कोर्ट से उनको आदेश मिलने के बाद श्वेत पत्र दाखिल करने के बाद वो पुनः अपनी सीट पर आए थे. इस बार जो कुंडली के हिसाब से अजीत पवार साहब की कुंडली, एनसीपी की कुंडली के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि उनके ऊपर आरोप पत्र बहुत कठिन होंगे, उनकी कठिनाइयां नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, राजनीतिक षड्यंत्र डेफिनेटली उनके ऊपर कोई ना कोई हो सकता है. मगर इस वक्त उनकी कुंडली में बुध में शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई हुई है, तो थोड़ी बहुत न्यूज आपको सुनने को जरूर मिलेगी. आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद भी उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई होती हुई मुझे दिखाई नहीं देती, ये उनकी कुंडली के हिसाब से साफ साफ नजर आता है. और पहले भी मैंने आज तक जितनी भी अजित पवार के बारे में भविष्यवाणियां बोली हैं वो ऑलमोस्ट जैसे आप बोलते हैं 99% सच होती हैं, ऑलमोस्ट वो सच हुई हैं. तो इस बार भी प्रभु की कृपा लगती है कि शनिदेव जो है जो मेरे मुंह से निकाल रहे हैं वो सही होगा, कहीं भी उनको कठिनाई होते हुए दिखाई नहीं देती. जब होनी होती तो हमने बोला था थोड़ा बहुत टाइम कठिन हो सकता है, मैं 12 फरवरी तक कठिनाई हो सकती है. और उनको मैं एक सलाह दूंगा कि उनको एक कष्ट निवारण और एक कष्ट निवारण पूजा करवा लेनी चाहिए, नवग्रह शांति और कष्ट निवारण.